हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के साथ जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? मैं वो प्रोग्राम देखा नहीं यार, तो मेरे लिए आई एम आल्सो गोइंग टू रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑडियंस बिकॉज़ वी हैव वेरी लिटिल टाइम सो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल. अरे प्रोग्राम मैंने देखा नहीं यार. सर सर एक सवाल और है कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम माना जाता है, क्या आपको लगता है यही वजह है कि जो जिस तरह से अगर उनके जो स्टेटमेंट है उनको बहुत सोच समझ के क्रिकेटर्स को देना चाहिए और महिलाओं के बारे में जो कही गई है बात, आपने एपिसोड हालांकि नहीं देखा है लेकिन एक मैं जनरल परसेप्शन आपसे जानना चाहूँगी कि कभी जब घर में बेटी होती है ना और वो टीवी देखती है तो ये एडवांटेज होता है, तो कहीं कहीं शोज आपके मिस हो जाते हैं. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे क्रिकेटर को जो माना जाता है कि जेंटलमैन गेम है और उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और अभी माना जा रहा है कि यंगस्टर इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पर आपका एज ए सीनियर क्या कहना है? नहीं ऐसा नहीं है, आप जनरलाइज नहीं कर सकते. समबडी यू नो पीपल मेक मिस्टेक्स, यू नो लेट्स नॉट गेट टू फार इन टू दैट एंड आई एम श्योर हूएवर हैज डन इट विल रियलाइज एंड विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स that everything you put in comes out perfect. So, you know, you just got to live life and let others live. So, you know, they are responsible people. As they said, they are humans. They may be role models, but they're under pressure all the time to perform. And certain things happen. And I think as everyone, we should move on and make sure that it doesn't happen again.